हिंदू वेदों तथा पुराणों के अनुसार अहंकार मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जैसे दीमक एक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है, उसी प्रकार अहंकार मानव के धर्म और कर्म का नाश कर देता है। झूठे समाज में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए हम अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वह हमें ही खाने लगता है। इतना ही नहीं, अहम के कारण हम कितने अपनों को दुखी करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ता है। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ा। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। लीलाधर श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में तो हम जानते ही हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है कि जब उन्होंने अपनी लीला से भक्तों के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ बैठे थे। गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। सत्यभामा भगवान केशव की 8 रानियों में से एक रानी थी और सबसे सुंदर भी थी। इसी कारण उन्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। उसी घमंड में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी। अब आप मुझे बताएं कि क्या सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तभी गरुड़ जी के मन में यह विचार आया कि भगवान जहां भी जाते हैं वह मुझे संग लेकर जाते हैं, क्योंकि मुझसे तेज इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस संसार में मुझसे तेज कोई उड़ सकता है क्या? फिर सुदर्शन चक्र भी यह सोचने लगे कि मैंने इंद्र के वज्र को विफल कर दिया और भगवान के पास जब कोई अस्त्र नहीं बचता तब वह मेरा ही प्रयोग करते हैं। और इसी अभिमान में वह भगवान से बोले कि हे प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान जानते थे कि इन तीनों के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो। इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला रची जिससे उन तीनों का अहंकार टूट जाए। भगवान मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास तुरंत जाओ और उन्हें कहना कि श्री राम और माता सीता उनकी द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी उसी क्षण हनुमान जी को संदेश देने हेतु उड़कर चले गए। फिर भगवान सुदर्शन चक्र को बोले कि तुम प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक कोई भी प्रवेश ना कर सके। प्रभु की आज्ञा सुन सुदर्शन प्रवेश द्वार की ओर चले गए। उसके पश्चात भगवान सत्यभामा से बोले कि हे देवी, तुम अब सीता के रूप में तैयार हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण भी श्री राम के रूप में सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उधर गरुड़ जी हनुमान जी के पास जाकर कहते हैं कि हे पवन पुत्र, भगवान राम माता सीता संग आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपकी भेंट उनसे करवा दूंगा। हनुमान जी गरुड़ जी की बात सुनने के पश्चात बोले कि हे गरुड़ जी, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब द्वारिका पहुंचेगा, किंतु मुझे क्या, मैंने तो भगवान का संदेश पहुंचा ही दिया है। ऐसा विचार करके गरुड़ जी उड़कर द्वारिका में श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे, किंतु उन्होंने जो देखा वह उनके लिए आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनसे पहले आकर बैठे हैं। गरुड़ जी का अहंकार उसी क्षण पूर्ण रूप से टूट गया और वो लज्जा से सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी भगवान ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि हे पवन पुत्र, तुमने महल के अंदर प्रवेश कैसे किया? क्या तुम्हें अंदर आने से किसी ने रोका नहीं? यह सुन हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहने लगे कि प्रभु, ये चक्र मुझे आपसे मिलने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने मुख में रख लिया और आपके दर्शन करने आ गया। इससे सुदर्शन चक्र का सबसे शक्तिशाली होने का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उसके पश्चात हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से बोले कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचान गया कि आपने तो इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, किंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आज आपने किस दासी को
माता सीता जितना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर माता सीता के स्थान पर विराजमान है। यह सुन सत्यभामा का अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। अहंकार टूटने के बाद सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो इस प्रकार भगवान ने लीला करके अपने भक्तों के अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।